नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप जान रहे हैं कि जलवायु संकट इस समय पृथ्वी के लिए सबसे खतरनाक परिस्थितियां उत्पन्न कर रहा है। कोरोना के द्वारा आई महामारी भी कहीं ना कहीं जलवायु संकट का ही परिणाम है और भारत जैसे देश इससे बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए हैं। सिर्फ बात यहाँ पर कोरोना महामारी की ही नहीं है, अगर हम ध्यान से देखें तो पिछले कई सालों में तूफान, जिसे हम सामान्य तौर पर चक्रवात कहते हैं, उनकी आने की परिस्थितियाँ जो हैं वो लगातार खतरनाक होती जा रही हैं। वो पृथ्वी पर या किसी देश पर जब अपना प्रभाव डाल रहे हैं तो उस देश में बहुत ज़्यादा संकट उत्पन्न कर रहे हैं। अभी जैसे हमने देखा पिछले दिनों आया हुआ चक्रवात जो कि अरब सागर में उत्पन्न हुआ था, जिसका नाम ताउते रखा गया था, उसने भारत के पश्चिमी तट पर तबाही मचाई और उसका प्रभाव भारत के मध्य में भी देखा गया। अभी ये तूफान पाकिस्तान की तरफ मुड़ चुका है, वहां पर भी तबाही मचा रहा है। साथ ही ये भी अभी देखा जा रहा है कि बे ऑफ बंगाल अर्थात बंगाल की खाड़ी में भी एक लो प्रेशर जोन बन रहा है और ये कहा जा रहा है कि 23 से 25 मई के बीच भारत के पूर्वी तट पर एक और चक्रवात देखने को मिलेगा। उसकी भी स्थिति काफ़ी भयावह हो रही है, अर्थात वो जब लैंड पर आएगा तो काफ़ी तबाही मचा सकता है। अभी आप ये जान रहे हैं कि लगातार ग्लोबल वार्मिंग एक ऐसा इशू है जो कि भारत या पूरे विश्व की बात करें तो काफ़ी खतरनाक तरीके से जो पृथ्वी है हमारी वो गर्म होती जा रही है। आज हम लोग इसी के विषय पे बात करने वाले हैं, क्योंकि अभी एक रिसेंट रिपोर्ट आई जिसमें कहा गया कि स्ट्रेटोस्फीयर लगातार सिकुड़ता जा रहा है। और आपको पता है स्ट्रेटोस्फीयर अर्थात समताप मंडल, जिसमें कि ओजोन लेयर की एक पूरी परत है जो कि पूरे पृथ्वी को अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाती है, और वो लगातार सिकुड़ती जा रही है। क्या है उसके पीछे का रीजन और क्या प्रभाव हमको आने वाले समय में देखने को मिलेगा, आज के इस वीडियो में हम लोग उसी पर बात करेंगे। तो फिर नमस्कार दोस्तों, मैं सुधांशु और आप देख रहे हैं बेसिस की पाठशाला। अगर हम पृथ्वी की बात करें, धरती की बात करें, तो यहां पर चार मंडल पाए जाते हैं, जिसमें आपका जल मंडल हाइड्रोस्फीयर, स्थल मंडल लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर जिसे हम वायुमंडल कहते हैं, और जीव मंडल बायोस्फीयर। आज हम बात करने वाले हैं एटमॉस्फेयर की, क्योंकि एटमॉस्फेयर में कई सारी लेयर्स होती हैं, जिसमें ट्रोपोस्फीयर जिसे हम क्षोभ मंडल कहते हैं, फिर स्ट्रेटोस्फीयर जिसे हम समताप मंडल कहते हैं, फिर मेसोस्फीयर मध्य मंडल, फिर थर्मोस्फीयर और फिर एक्सोस्फीयर आता है। ये एटमॉस्फेयर को कैटेगराइज किया गया है कि पृथ्वी से जैसे आप तल से ऊंचे जाते हैं तो क्या क्या प्रभाव आता है, इस तरीके से ये पांच भागों में इनको डिवाइड किया गया। सबसे नीचे हमारा क्षोभ मंडल अर्थात ट्रोपोस्फीयर आता है। आप जितनी भी वेदर फिनोमिना देखते हैं, जो भी आपके आसपास वातावरण में क्रियाएं हो रही हैं, वो सारी क्रियाएं क्षोभ मंडल अर्थात ट्रोपोस्फीयर में प्रभाव डालती हैं। अब आपका ट्रोपोस्फीयर जिसमें सारी मौसमी घटनाएं होती हैं, चाहे वो बारिश की घटना हो, चाहे वो हवा चलने की घटना हो, ये सब आपकी ट्रोपोस्फीयर में होती है। इसलिए हम ये जान रहे हैं कि जो गैसेस हमारे पास इकट्ठा हो रही हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, इनका प्रभाव हमको ट्रोपोस्फीयर में ज्यादा देखने को मिलेगा। क्योंकि पूरा विश्व फॉसिल फ्यूल का उपयोग लगातार करता जा रहा है, जो विश्व के प्रमुख 10 देश हैं वो तो पूरे विश्व की लगभग 80% कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन करते हैं, जिसमें यूएसए है, यूरोपियन यूनियन, रशिया, इंडिया, चाइना और कई और सारी कंट्रीज हैं जो कि कार्बन डाइऑक्साइड का अथाह उत्सर्जन कर रही हैं। अब कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन के कारण उसका जो पार्ट्स पर मिलियन, जिसे हम कहते हैं कि हम ये देखते हैं कि एटमॉस्फेयर में कितने पार्ट्स उसके उपलब्ध हैं, कितने अणु जो हैं वो एटमॉस्फेयर में उपलब्ध हैं, तो यहां पर प्री इंडस्ट्रियल पीरियड अर्थात अभी से 200 साल पहले 280 पार्ट्स पर मिलियन कार्बन डाइऑक्साइड की पूरी संरचना जो हमारे वायुमंडल में थी, ट्रोपोस्फीयर में थी। लेकिन जिस तरीके से इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ा और फॉसिल फ्यूल का उपयोग हम लोग करते चले गए, ये संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। 1960 के आसपास कार्बन डाइऑक्साइड्स का जो वैल्यू था वो 280 से बढ़कर 315 पार्ट्स पर मिलियन हो गया। फिर 2020 तक आते आते और अभी हाल का डेटा मार्च 2021 का जो हमारे पास आया है, उसके अनुसार इस समय पूरे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड अपने सबसे मैक्सिमम वैल्यू पे है, 421.5 पार्ट्स पर मिलियन। और जितना ज्यादा, लगभग ये पहले से आपका 40% से ज्यादा अधिक हो चुका है।
तो जितना अगर कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगा उतना ही ज्यादा वो क्षोभ मंडल पर क्या करेगा, क्षोभ मंडल पर दबाव डालेगा। और वो क्षोभ मंडल पर जब दबाव डालेगा तो वो धीमे धीमे अपने आप को ऊपर की तरफ शिफ्ट करेगी। अब आप ये जान रहे हैं कि क्षोभ मंडल या ट्रोपोस्फेयर जो कि लगभग अर्थ की सतह से 17 से 18 किलोमीटर की ऊंचाई पर होती है, वो जैसे जैसे ऊपर जाएगी तो उसके ऊपर का जो स्ट्रेटोस्फीयर है वो दबेगा। दबने की वजह से उसकी ऊंचाई या कहें जो उसका पूरा लिमिट है वो लिमिट सिकुड़ेगा, कहां से, नीचे की तरफ से। रिसर्च में यह भी देखा जा रहा था कि कहीं ये कार्बन डाइऑक्साइड की जगह पे ओजोन का तो प्रभाव नहीं है, लेकिन जब ओजोन के प्रभाव को पूरी तरीके से पढ़ा गया तो ये समझ में आया कि ये ओजोन का प्रभाव नहीं है, ओजोन अपना कार्य अच्छे तरीके से कर रही है। इसका मतलब ये है कि ये पूरे तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा जनरेट किया गया इफेक्ट है। तो जैसे जैसे आपका ट्रोपोस्फीयर ऊपर जा रहा है वैसे वैसे स्ट्रेटोस्फीयर की जो विड्थ है वो कम होती जा रही है। स्ट्रेटोस्फीयर पृथ्वी के सतह से 20 किलोमीटर से 60 किलोमीटर तक की ऊंचाई पे पाया जा रहा है, और अभी के डेटा के अनुसार स्ट्रेटोस्फीयर जो लगभग 40 किलोमीटर की थिकनेस पर है उसकी ऊंचाई या उसका जो विड्थ है वो 400 मीटर तक कम हो चुका है, मतलब लगभग 1% का डिक्रीमेंट हो चुका है। और ये माना जा रहा है कि 2080 तक आते आते ये डिक्रीमेंट लगभग 1.3 किलोमीटर का हो जाएगा, और उसके बाद ये कौन सा प्रभाव डालेगा इसके विषय में भी हम नहीं कह सकते, क्योंकि एक टिपिंग पॉइंट होता है, अर्थ का एक टिपिंग पॉइंट होता है। उस टिपिंग पॉइंट को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि वो वैल्यू जहां के बाद पृथ्वी अपने संतुलन को बनाने के लिए कुछ भी करेगी, फिर मानव अपनी तरफ से कुछ नहीं करेगा, जो करना होगा पृथ्वी अपने अकॉर्डिंग ही करते जाएगी, फिर महाविनाशकारी घटनाएं हम लोग को आसपास देखने को मिलेंगी। तो अभी एक और रिसर्च पेपर के बारे में आपसे मैं यहाँ बात कर लूँ कि पृथ्वी पर जैसे जैसे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है वैसे वैसे ग्लेशियर्स पिघलते जा रहे हैं, खासकर नॉर्थ पोल और साउथ पोल के ग्लेशियर्स जो हैं उनका पिघलना लगातार बढ़ता जा रहा है, और इस वजह से पृथ्वी का झुकाव जो कि हम जानते हैं कि 23.5 डिग्री पर है, वो झुकाव अपना परिवर्तन होता जा रहा है, वो परिवर्तित करते जा रही है। और पृथ्वी का अगर झुकाव परिवर्तित होगा तो इसका मतलब जलवायु भी पृथ्वी की काफी ज्यादा परिवर्तित होती जाएगी। जैसे कि हम जान रहे हैं कि सहारा रेगिस्तान जहां पर एक समय नदियां बहती थी, पृथ्वी के झुकाव में परिवर्तन कारण आज वहां पर बहुत बड़ा रेगिस्तान हमको देखने को मिल रहा है। तो पृथ्वी पर अगर हम उत्सर्जन की मात्रा को कम नहीं किए तो आने वाला समय बहुत भयावह हो जाएगा। तो समताप मंडल का यूज सिकुड़ना, स्ट्रेटोस्फीयर का ये जो सिकुड़ना शुरू हो चुका है, ये पृथ्वी के लिए अच्छे संकेत नहीं, क्योंकि ओजोन लेयर जो पृथ्वी को अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाती है वो अगर वहाँ पे नहीं रही तो पृथ्वी आग का गोला बनेगी और यहाँ की सारी जीव जगत जो है वो पूरे तरीके से नष्ट हो जाएंगे। तो हमें अगर अपनी पृथ्वी को बचाना है, हमें अगर अपनी पृथ्वी को संभालना है, तो हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि किसी भी तरीके से हम अपनी पृथ्वी को खराब होने से, बर्बाद होने से बचा सकें और उत्सर्जन को हम कम कर सकें। अगर ये उत्सर्जन कम नहीं होगा तो फिर आने वाला समय और नई आपदाएं लेकर आएगा। अभी साइक्लोन आने वाला है, देखते हैं उसका क्या प्रभाव हमारे पूर्वी तट पर देखने को मिलेगा। तो आज के इस वीडियो में हम लोगों ने बात करी पृथ्वी के समताप मंडल के सिकुड़ने के संबंध में। अगले वीडियो में हम लोग कुछ और बातें करेंगे, कुछ और जानकारियां जानेंगे जो कि जलवायु संकट से जुड़ी होंगी। तब तक आप अपना ख्याल रखिए और इस दौर पे भी हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और अपने आप को काफ़ी अच्छे से पॉजिटिव रखिए, क्योंकि आपके लिए और आपके परिवार के लिए वही महत्वपूर्ण है। जय हिंद, वंदे मातरम। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को शेयर जरूर करिए, जिससे और लोगों के पास ये अच्छी जानकारी पहुँच सके और वो भी प्रकृति को सुधारने के लिए अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सकें।